मैं आज फिर एक बार आया हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के मुसिल गांव पात्रू में यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके एक बड़ा मसला बना हुआ था यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बॉयज़ मिडिल स्कूल पात्रू कायम किया है उसमें पिछले छः साल से सिर्फ दो उसदा साहिबान अपने फराइज अंजाम दे रहे थे और जो बाकी मानदा दो उसदा साहिबान हैं वो किसी और जगह पे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा था ना इंसाफ़ी हो रही थी क्योंकि उनको क्लास में टीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे जब मुझे इस मसले का पता चला तो करीब दो महीने कबल मैं इस गाँव में आया तो मैंने उस मसले को लेकर एक वीडियो बनाया हमारी एजुकेशन का मामला है यहाँ तो उसतादों की कमी है यहाँ डिप्लाईमेंट पर छः साल से दो टीचर हमारे मिडिल स्कूल में पात्रों मिडिल स्कूल में दो टीचर हमारे डिप्लाईमेंट पर रहे हैं सर आठ क्लासें हैं दो टीचर हैं यहाँ सर क्या बच्चा पढ़ाएंगे बच्चों को सिक्सटी है सर एक हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है डीसी साहब से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे स्कूल में जो पांच हैं टीचर्स की तो उसमें दो ही ड्यूटी देते हैं हमारे जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो रही है पूरी तरह से हम नहीं पढ़ सकते हैं इसलिए हम... तो आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि अगर हमारी आवाज़ आप किसी जगह पहुँचाओगे किसी जगह भी पहुँचाओगे सर हम आपको वास्ता देते हैं हमारे स्कूल के बारे में और हमारे बच्चों के बारे में सोचो वीडियो बनाने के बाद मैंने जोनल एजुकेशन ऑफिसर करालपुरा सी ई कुपवार और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से रबता किया और उनकी नोटिस में ये मसला लाया पहले झाड़ी ओ ने इस इलाके में जितने भी स्कूल हैं उनमें जितने भी टीचर हजार डिप्लॉयमेंट पे कहीं पे और ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कैंसल की उसके बाद भी बहुत सारे टीचर हजात ऐसे थे जो अपनी जगह पे अपनी एक्चुअल पोस्ट पे वापस नहीं लौटे जब ऐसा हुआ तो अचानक से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का कुपवारा का दौरा हुआ तो मैंने उसे वहां पर किया उनकी नोटिस में यह मसला लाया जो इनका वो तालीमी कम हुआ है है किस, किस तरह से उसकी भरपाई हो सकती देखिए आपने जो डिप्लॉयमेंट की बात की गवर्नमेंट ने पहले ही हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उन्होंने पहले ही ऑर्डर इशू किए हैं कि इकतीस मार्च तक तो जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स थी उनको एक्सटेंड किया और इकतीस मार्च के बाद जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स है उनको कैंसिल किया गया है वी आर एसेसिंग देशन जहाँ टीचर पीपल रेशो की जो एबनॉर्मल सिचुएशन है उन स्कूलों में हम एज पर स्टूडेंट रेशो टीचर्स दे रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि हमारा टीचर पीपल रेशो कम है हमारा ज्यादा है अब कहीं इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल जैसे आपने किसी स्कूल का नाम लिया इस स्कूल में हम इसका सी ओ साहब से और उनको स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर्स हम दे देंगे बड़ी

वापस नहीं लौटे हैं। साथ साथ यहाँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स ने इंटरनल अरेंजमेंट के तौर पे पहले यहाँ पे एक जनरल टीचर तैनात किया और बाद में जिन दो टीचरों की डिप्लॉयमेंट कैंसिल हो गई थी उन्होंने भी यहाँ पे आके ज्वाइन किया इस तरह से इस स्कूल का मसला छह साल के बाद यहाँ पे हल हो गया मैं हूँ पीरा सर ये रहा मेरे वीडियो का इम्पैक्ट जब आप पिछली बार आए थे तो आपने यहाँ पे वीडियो बनाई आपने देखा यहाँ पे दो ये यो योजा साहिबान थे हम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते थे तो आपने जब हमारी वीडियो बनाई ऑफिसर तक पहुँचाई और आगे पहुँचाई तो फिर हमारे टीचर आ गए फिर हमें आज चार टीचर हैं इसलिए हम आपके शुक्र गुज़ार ये दूर दराज इलाका है यहाँ हमारे स्कूलों में उस्ताद नहीं थे पिछले छः सालों से हमारे स्कूल में दो टीचर थे आपकी वसादत से मीडिया जब से आई है दो बार हमारे स्कूल में टीचर हमारे को मिले हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया है चीफ एजुकेशन अफसर साहब भी बाद में आए थे आपके बाद हमारे को उस्ताद मिले छः साल के बाद हमारे को बहुत बड़ी कामयाबी हुई है हमारे बच्चे बेरोजगार अनपढ़ थे जैसे कुछ आता नहीं था आज तो इन को आपकी वसादत से उस्ताद मिले बल्कि पूरे इलाके केरन को मिले जहाँ जहाँ भी स्टाफ की कमी थी वो आपकी वसादत से पूरी होगी है आपने बहुत मेहनत की है डायरेक्टर साहब तक गई है बात और डीसी साहब की नॉलेज में आपने पहुँचाया हमारे केरन में उसतादों की अभी जितनी भी पोस्टें खाली थी या फिर डिप्लॉयमेंट पर थी वो सब वापस आए जो यहाँ पे स्कूल हैं उनमें जो टीचर मैसर नहीं थे ये एक बड़ा मसला इस इलाके में बना हुआ था क्योंकि इन स्कूल में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई मुतबाद इंतज़ाम भी नहीं किया था जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चों को क्लासेस में टीचर नहीं मिल पा रहे थे ये करीब दस साल का मामला बना हुआ था और यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था मैं शुक्रगुजार गुज़ार हूँ जोनल एजुकेशन ऑफिसर करालपुरा चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा जिन्होंने आज यहाँ पे ठोस कदम उठा के यहाँ के बच्चों के साथ इंसाफ किया वाज रहे करीब ऐसे नौ स्कूल हैं जिनमें करीब साढ़े चार सौ के बच्चे जेर तालीम हैं उनको अब यहाँ पे इंसाफ मिला है क्योंकि स्कूल में टीचर गए हैं वो अब यहाँ पे बच्चों को अच्छे से तालीम दे रहे हैं अगर आपके इलाक़े में भी कोई ऐसा देरना मसला पड़ा हुआ है तो आप मुझसे रबता कायम कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर है एट एट ज़ीरो थ्री फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर अगर आपका कोई भी मसला है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैं आपके इलाके में आऊँगा वीडियो बना के उस मसले को हुकाम के साथ उठा के उस मसले को हल करने की कोशिश करूँगा मैं हूँ पीर अजहर लाइन ऑफ कंट्रोल केरन कुपवारा से कश्मीर अनहोर के लिए